योद्धा की कोई जाति नहीं होती। योद्धा वही होता है जो दूसरे का खून बहाने से पहले अपने खून के बहने की परवाह नहीं करता। प्राचीन भारत में बुद्ध का धम्म ही देश का धर्म था। समता और मानवता इंसानों के रगों में बह रही थी। मगर मनुवादियों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने वर्ण और जातियों का जाल बुना और इंसानों को ऊंच नीच और अछूतों में बांट दिया। दुनिया की सबसे क्रूर और बेबस गुलामी के शिकार अछूत अपनी मुक्ति के लिए छटपटाने लगे। और जब अधर्म के बेड़ियों में छटपटाती कौम हाथ में तलवार लेकर यलगार करने लगे, तब लड़ा जाता है आत्मसम्मान का संग्राम।